मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। मेरे और की वीडियो में आप सबको स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको तीन चीज बताने वाला हूं, जैतून पहाड़ और राजा दाऊद की नगर, जो कि अब आप तस्वीर में देख रहे हैं, दाऊद की नगरी, और प्रभु यीशु मसीह ने जिस जगह पर अंतिम भोज किया था अपने चेलों के साथ, वो जगह मैं दिखाने वाला हूं आपको। तो चलिए चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का हम आगे देखेंगे। अब क्या क्या आने वाला है, अब हम देखेंगे, अब से हम देख सकते हैं। तो ये है यरूशलेम का शहर, या फिर नगर आप जो भी कह सकते हैं। तो इधर देखिए, एक सीसीटीवी कैमरा है। यहाँ का जो रोड होता है, रास्ता होता है, कुछ कुछ जगह में इस तरह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये जो यरूशलेम शहर है, ये जो इजराइल देश है, ये वर्ल्ड फेमस है, ये तो आपको जरूर पता है। इजराइल देश वर्ल्ड फेमस है क्योंकि ये है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान है। इस देश में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिए थे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही शहर है, वही नगर है जो आज ऐसा दिखाई देता है, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो आज की नगर, आज की यरूशलेम शहर या फिर नगर ऐसे दिखाई देता है। तो आगे भी हम देखेंगे और क्या क्या है। ये एक रोड है जो हम जा रहे हैं, ये एक रोड है। रोड के किनारे इसे कुछ दिखाई दे रहा है, आप खुद देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ समय के बाद हम प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभु यीशु मसीह ने जो अंतिम भोज किया था अपने चेले के साथ, वो देखेंगे, और जैतून पहाड़ भी देखेंगे, और दाऊद की नगर भी हम देखेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आपको बोला, ये जगह वर्ल्ड फेमस है इजराइल देश, क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिए थे। और यहाँ का बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं, और इजराइल देश का जो सोल्जर है, उनका युद्ध करने का जो शैली है, कला है, वो भी बहुत खास है। अब तो आप देख रहे हैं टीवी पर जो युद्ध हो रहा है हमास और इजराइल के बीच। इजराइल कैसे जीत, इजराइल का जीत हो रहा है लगातार, अब तक नहीं हारा है इजराइल। आज तक जितना भी देश है, उनमें से इजराइल शक्तिशाली है। ये देखिए जैतून पहाड़ ऐसा दिखाई देता है। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, ये है जैतून पहाड़। जैतून पहाड़ का मतलब
बहुत बड़ा या फिर ऊंचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन था जिस दिन ये पहाड़ थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अब ऐसा हो गया है। ये जो जैतून पहाड़ है, इस जैतून पहाड़ का एक खास बात है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह उतरने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन करेंगे, आएंगे इस धरती पे, वो अपने पांव इस जैतून पहाड़ के ऊपर रखेंगे, तो क्या होगा? तो दो भाग हो जाएगा, पहाड़ दो भाग हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण। अभी भी हम देख रहे हैं माउंट ऑलिव्स, मतलब जैतून पहाड़, ये जो आप देख रहे हैं ये जैतून पहाड़ ही है। तो प्यारे भाई और बहनों, फिर आगे चल कर देखेंगे और क्या क्या आगे होने वाला है और क्या आएगा। देखिए, इजल देश का रोड है। मेरे चैनल में और एक वीडियो है, इजल देश का जो रास्ता है, वो जो सड़क है, उनके बारे में एक वीडियो था, अभी भी है मेरे चैनल में, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये दूसरा जगह है, और पैलेस्टाइन से पार होकर हम पहुंचने वाले हैं दाऊद की नगरी, और प्रभु यीशु मसीह ने जहां अंतिम भोज किया था उधर पहुंचने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या आता है। ये है दाऊद की नगरी, यहाँ के पार्क है, आज इसको कहा जाता है किंग डेविड नेशनल पार्क। देखिए आज ऐसे कुछ दिखाई देता है, किंग डेविड नेशनल पार्क। तो दाऊद के बारे में आपको जरूर पता होगा, दाऊद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे बाइबल में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहा जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दाऊद का जो वंश है उस वंश से उत्पन्न हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो पिता माता थे यूसुफ और मेरी, वो दाऊद की वंश से ही आए थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की पुत्र संतान कहा जाता है। यह है किंग डेविड नेशनल पार्क। आज ऐसा कुछ दिखाई देता है, यहां देखिए कितना सारा लोग है। बाइबल में जितने भी ऐतिहासिक स्थान है, हिस्टोरिकल प्लेस है, उनमें से ये भी एक है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में जितने सारे हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक स्थान है, ये एक है। आगे जाकर देख सकते हैं और क्या क्या आने वाला है, अंदर क्या है, आगे जाकर हमें पता चलेगा। तो आगे हमको जाना पड़ेगा। देखिए ये वही रोम है, मैंने जैसे आपको बताया था, जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया था, ये वही रोम है, वही कोठरी है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जो अंतिम भोज था वो इसी जगह पे हुआ था, एग्जैक्टली यही जगह है।
रोम ऑफ द लास्ट सफर, यह जो लिखा गया है ये वही कुठरी है। ये देखिए भाई और बहनों, ये देखिए ये वही जगह है। थोड़ी देर के बाद हम वो जगह देखने वाले हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज किया था अपनी चेलों के साथ। तो मेरे भाइयों और बहनों, अंदर जाके देखेंगे क्या है अंदर, अंदर जाकर ही पता चलेगा क्या क्या है इधर, क्या होने वाला है। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था, ये एग्जैक्टली वही जगह है जिधर प्रभु यीशु मसीह ने बैठा था अपने चेलों के साथ। ये वही जगह है, वही कोठरी है। प्रभु यीशु मसीह के टाइम में ये एक मामूली घर था, लेकिन अब इस घर को इस तरह का सजाया गया है, एक बिल्डिंग, एक पैलेस की तरह बनाया गया है इधर। तो ये वही रूम है, वही कोठरी है, आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो को देख सके। हम जो बाइबल में पढ़ते हैं, अगर वो हम खुद देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, और भी हमारा विश्वास मजबूत होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने बाइबल में पढ़ा है लेकिन उन जगह को नहीं देखा। अगर आप दिखाएंगे तो वो देखेंगे। आप ये वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ, नहीं तो आप खुद मोबाइल में खोलिए और इस वीडियो को दिखाइए दूसरों को, ताकि दूसरे लोग भी देख सके, दूसरे विश्वासी विश्वासिनी भाइयों बहनों इस वीडियो को देख सके। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं सबको, जय मसीह की।